रियल डुप्लीकेट है। अब मैं बात कर लूँ या आप कर लीजिए? सॉरी सर, चाबी कहाँ है आपकी? सर प्लीज, चाबी कहाँ है आपकी? आई एम आस्किंग फॉर यू की। सर प्लीज, नहीं समझ आई सर। मैं आप हिंदी में बता देता हूँ, आप गाड़ी की चाबी दे दीजिए मेरे को। आर सी और डी एल दिखा दीजिए ओरिजिनल आप। सर अभी मैंने 15 दिन हुए गाड़ी नहीं ली है। दैट इज योर एक्सक्यूज, मुझे आर सी और डी एल दिखा दीजिए। देख सकते हैं जीप को जो है यहाँ पर रोका गया है, काले शीशे हैं, फिल्म्स लगी हुई हैं, हालांकि शेड्स जो हैं इसके आप देख सकते हैं उतार दिए गए हैं। तो जहाँ पुलिस का चेकिंग अभियान, चलान अभियान लगातार करनाल में अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दिन में जारी है, वहीं आज की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं SD मॉडल स्कूल के बाहर से। और आप देख सकते हैं कल भी जहां लगातार हम लोगों ने ये खबर चलाई थी कि विंडो कवर्स लगाए होंगे, शेड्स लगाए होंगे, फिल्म लगाई होगी, तो आप लोगों को 10,000 रुपए का चलान भुगतना पड़ सकता है। वहीं फिर भी लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सतर्क होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और व्यक्ति आपको मैं गाड़ी नंबर दिखाना चाहूंगी, HR05AH0574। विंडो कवर्स जो है इनकी गाड़ी पर लगे हुए हैं, जिसका 10,000 रुपए का चलान है। एक बार बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे इनसे। सर इसके, सर इसका 10,000 रुपए का चलान है, पता है आपको? फिल्म तो नहीं चल रही है इस पर? नहीं, इनका भी, इन कर्टेंस का भी 10,000 का, कल भी इन लोगों ने बहुत चलान काटे इस तरीके के, लगातार मीडिया में भी चल रहा है, पता नहीं था आपको? मेरे को पता नहीं था। तो आप देख सकते हैं हालांकि फैमिली गाड़ी में है, विंडो कवर्स लगाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, ये तो विंडो कवर्स है फिल्म नहीं। लेकिन फिर भी चलान इनका यहाँ पर 10,000 रुपए का काटा जाएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं SD मॉडल स्कूल के पास से, जहाँ करनाल पुलिस एक बार फिर से जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। विंडो कवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे उतार दिए गए हैं, और फिलहाल क्या कुछ आगे का प्रोसीजर रहेगा वो भी हम देखेंगे। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है, विंडो कवर्स जो है इस पे लगे हुए थे, विंडो कवर्स उतार दिए गए हैं। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे, RC मंगवाई जा रही है। एक बार बातचीत भी कर लेते हैं सर, क्या क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा? इनके विंडो कवर्स लगे हुए थे, कह रहे हैं कि पता नहीं था कि विंडो कवर्स का भी चलान है। पता था सब, क्या ये चलान तो होएगा इसका? होगा सर। हाँ जी। अब क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे? डॉक्यूमेंट चेक करके उसके बाद। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी के जो है चेक किए जाएंगे, HR05AH0574। उसके बाद इनका चलान किया जाएगा। कुछ बाइक वालों को भी जो है दूसरी साइड पर रोका गया है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार मीडिया में हम लोग दिखा रहे हैं कि घरों से बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, मास्क लगा कर रखें, एक्टिवा पे चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और विंडो कवर्स, फिल्म जैसी चीज़ों का प्रयोग ना करें। लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। सर किस लिए रोका गया इन्हें? इनके हेलमेट के लिए रोका गया है। हेलमेट के लिए रोका गया है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है इन्होंने। लगातार आप लोगों से अपील की जाती है, लगातार आप लोगों से अपील की जाती है कि हेलमेट का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। एक बार बातचीत कर लेते हैं वो जो गाड़ी वाले जिनको रोका था, उन्होंने विंडो कवर्स लगाए थे, उन वो जो हैं SHO से यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं। सर ये बोल रहे थे सर कि मुझे पता नहीं था विंडो कवर्स का भी चलान है, तो क्या रहेगा प्रोसीजर? जी मैडम, ये बोल रहे थे इन्हें पता नहीं था कि विंडो कवर्स का भी चलान होता है, तो क्या रहेगा प्रोसीजर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी को पता है, ये कोई आज कोई नया कोई आज ही रूल कोई चालू नहीं हुआ है, चलान होगा, चलान होगा। तो आप देख सकते हैं हालांकि जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं सचिन, उनका यही कहना है कि आज ये रूल स्टार्ट नहीं हुआ है। लगातार मीडिया भी आपको लगातार कवरेज दिखा रही है कि किस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं, फिल्म लगी है, विंडो कवर्स लगे हैं, तो 10,000 रुपये जेब में लेकर ही निकले। फिर भी आगे से इस तरीके के जवाब आना कि हमें पता ही नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत इलॉजिकल सा ज़रूर लगता है। और ट्रैफिक इंचार्ज का यही कहना है कि चलान तो इनका 10,000 का होगा ही होगा। लाइव तस्वीरें इस समय आप ये देख रहे हैं OPS, माफ़ कीजिएगा, SD मॉडल स्कूल के बाहर से। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं SD मॉडल स्कूल के बाहर से, रेलवे रोड से, जहां एक बार फिर से अलग अलग लोकेशंस पर जाकर पुलिस जो है
सभी को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन करनाल के कुछ लोग हैं जो सुधरने को तैयार ही नहीं है। फिल्म शेज के बिना वो लोग निकलते नहीं हैं और लगातार चलान जो हैं लोगों के काटे जा रहे हैं, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे वो हेलमेट को लेकर हो, चाहे वो ब्लैक फिल्म्स और शेज को लेकर हो। हमारे साथ जुड़े रहे, आगे की भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक और युवक को जो है यहाँ पर रोका गया है। किस लिए रोका गया? डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है आपके? ला रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मतलब आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स? हैं, हाथ हैं, हाथ में मंगा रहे हैं। और हेलमेट क्यों नहीं लगाया? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? चलो ना बताओ। अब देख सकते हैं पहले तो हेलमेट नहीं लगाते, उसके बाद इन लोगों का फोन पहले निकल जाता है चलान कटने से भी, और हेलमेट इन्होंने लगाया नहीं हुआ, नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर से हेलमेट लगाए बिना बिल्कुल भी ना निकले की, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। सर, आपका किस चीज़ का कटा है चलान? हेलमेट का जी। तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? अभी यहीं पे जा रहा था पास में, इसलिए डाला था। नाम क्या है आपका? गोपाल। क्या लगता है चलान कटा है ठीक है, आज के बाद याद रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, याद रहेगा जी, बिल्कुल। कहाँ से हो सर? हिमाचल। तो आप देख सकते हैं हालांकि इन्होंने कहा चलान कटा है ठीक है, अगली बार से याद रहेगा कि हेलमेट पहन कर निकलना है। गोपाल नाम था इनका। और आप देख सकते हैं एक और वहाँ पर जो है एक और गाड़ी को रोका गया है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। काले शीशे और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक जीप को जो है यहाँ पर रोका गया है। काले शीशे हैं, फिल्म्स लगी हुई हैं, हालांकि शेड्स जो हैं इसके आप देख सकते हैं उतार दिए गए हैं। नंबर मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, HR05AH3399। सर, क्या नाम है आपका? राहुल है जी। किस चीज का चलान काटा जा रहा है आपका? देखो जी, किसी काटेंगे देखेंगे जी, मुझे तो पता नहीं इतना। विंडो कवर्स लगाए हुए थे आपने, शेड्स मतलब अलाउड नहीं है ना? तो अगर कोई फिल्म हो तो बताओ मुझे, फिल्म तो कहीं इसमें है ही नहीं। सर, शेड्स का 10,000 का चलान है, लगातार मीडिया पे दिखा रही है। नहीं, शेड कहाँ है इसमें, दिखाओ ना मेरे को आप। ये तो धूप सन के लिए होते हैं, ये परमानेंट थोड़ी है। सर, इसका लगातार 10,000 का चलान काफी दिनों से पुलिस काट रही है। देखो, अरे यार, ये कुत्ता बिल्ली वास्ते यार, तो नखे बताऊँ ये क्या। सर, रिपीट करोगे? मैडम, आप अपना वर्किंग करो जो मैं तो अपना ही वर्किंग कर रही हूँ ना सर, हमारा तो काम है। तो आप देख सकते हैं थार का जो है यहाँ पर चलान काटा गया है। फिल्म भी हालांकि बताया जा रहा है पुलिस वालों द्वारा कि लगी हुई थी। शेड्स आप देख सकते हैं, विंडो कवर्स ये भी जो है पूरे इससे उतार दिए गए हैं। 10,000 रुपये का जो चलान है वो यहाँ पर काटा जाएगा। ट्रैफिक इंचार्ज जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, इनका किस किस चीज़ का चलान कटने वाला है? मैम, इनकी गाड़ी इंपाउंड कर रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ब्लैक फिल्म का चलान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त कार्रवाई करनाल पुलिस की, कि गाड़ी ही इंपाउंड की जाएगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, विंडो कवर्स लगे हुए हैं, फिल्म लगी हुई है, तो इनकी गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि इंपाउंड की जा रही है। आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं सचिन, वो इस समय फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि आगे के लिए भी लोग सतर्क ज़रूर हो सके। एक और गाड़ी को जो है यहां पर रोका गया है। अब करनाल पुलिस कोई भी जो है ढील बरतने को तैयार नहीं होगी। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, बाइक हो, कुछ भी हो, अगर विंडो कवर्स लगे हैं, शेड्स लगे हैं, तो आप लोगों का 10,000 रुपये का चलान पक्का है। और 10,000 रुपये अगर भर सकते हैं तभी गाड़ी पे जो है विंडो कवर्स लगा कर निकलिएगा। आप देख सकते हैं ऑल्टो गाड़ी है और विंडो कवर्स का 10,000 रुपये का जो है चलान है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं SD मॉडल स्कूल के बाहर से। लगातार आप लोगों को जागरूक किया जाता है कि विंडो कवर्स बिल्कुल भी उपयोग इनका ना करें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हालांकि बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि भाई 10,000 का चलान कटा है, गुस्से में भी होंगे शायद। सर, नाम क्या है? कोई बात नहीं मैडम, क्या हो गया? नहीं बता तो सकते हो ना एक बार, नाम क्या है?
सर आपको पता नहीं था कि ये विंडो कवर्स का 10,000 का चलान है? नहीं मैडम, नहीं पता था। तो आप देख सकते हैं, हालांकि इनका कहना है कि मुझे नहीं पता था कि 10,000 रुपए का चलान है। एक बार नंबर मैं आपको गाड़ी का दिखा दूं, HR05V0390। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, जिस थार को रोका गया है वो बताया जा रहा है कि इम्पाउंड उसे किया जाएगा, क्योंकि ना तो डॉक्यूमेंट्स है फिलहाल, व्यक्ति फोन पर लगे हुए हैं, बातचीत करवाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन पुलिस कोई भी ढील बरतते नजर नहीं आ रही है। और इसका जो है, इस गाड़ी को जो है इम्पाउंड करने का इंचार्ज ने जैसे बोला कि गाड़ी को जो है इम्पाउंड किया जाएगा। फिल्म भी लगी हुई है, एक बार मैं पूरी आपको दिखा दूं आगे से पीछे तक, तो आप देख सकते हैं इम्पाउंड करने की बात कही जा रही है, क्योंकि विंडो कवर्स भी लगे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं है, गाड़ी को इम्पाउंड जो है किया जाएगा। ये रिमोट वाली है? हां जी, रिमोट है। ओके कर दो, स्टार्ट करवा एक बार। चलो सर, क्या गाड़ी इम्पाउंड की गई है? इम्पाउंड की गई। तो आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा कोई भी यहां पर ढील नहीं बरतती जा रही, अभी एक थार जो है इसे इम्पाउंड कर लिया गया है। तो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पुलिस स्टाफ है वो जो है थार को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इसको जो व्हीकल को जो है इम्पाउंड कर लिया गया है, इसको अब चौकी ले जाया जाएगा। और आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं थे, ब्लैक फिल्म इस पर बताया जा रहा है लगी हुई थी। फिलहाल जो है 10,000 का चालान जो है वो काटा जाएगा। आप सभी से हम अपील करते हैं, जितना हो सके इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सतर्क ज़रूर हो जाइए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर होना चाहिए, मास्क आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और अगर आप बाय कार निकल रहे हैं तो विंडो कवर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो व्हीकल है इसको जो है इम्पाउंड कर लिया गया है, पुलिस स्टाफ जो है इसको आप चौकी लेकर जाएंगे, साथ ही जो कुछ इस पर बनता है वो उसका चलान यहाँ पर किया जाएगा। आप सभी से अपील, खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। सर सर कितने का चलान कटा है आपका? 5,000 रुपये। 5,000 किस किस चीज़ का सर चलान कटा है आपका? ये बताएंगे जिन्होंने कटा है जी, इनसे पूछो आप। सर ये जो थार है इसका कितने का चलान कटा है और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी? इनका मैम 10,000 का ब्लैक फिल्म का चलान कटा है और इम्पाउंड कर रहे हैं हम गाड़ी को, क्योंकि कोई 5,000 का कटा है चलान नहीं, 10,000 का ब्लैक फिल्म का चलान है, और ये अभी हमारे पास इनके इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए हैं तो इसलिए इम्पाउंड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इनका भी जो है यहाँ पर चलान काटा गया, एक बार बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। मैम किस चीज़ का चलान कटा है आप लोग का? लगाया हुआ था पीछे का, मेरी आई साइड वीक है तो मेरे से गाड़ी नहीं चलती अगर मुझे पीछे का दिखाई ना दे तो, हाँ। तो वो इसलिए सिर्फ बैक का लगाया हुआ था, उन्होंने इसी वजह से रोक दिया। बाकी कितने रुपए का चलान कटा है अभी पता नहीं, देखते हैं क्या कहते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है? हाँ जी बिल्कुल, लाइसेंस भी है। यस मैम। क्या नाम है आपका? रेनू। कहाँ से हैं? करनाल सेक्टर 6। क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या लगता है जो पुलिस ने चलानिंग अभियान स्टार्ट किया हुआ है, कई बार लोग चढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा? नहीं नहीं वो तो अच्छी बात है, ये उनकी ड्यूटी भी बनती है तो पब्लिक के लिए अच्छा मैसेज है, बट विंडो कवर का सिर्फ एक गलती से लग वो सिर्फ पीछे का ही लगाया हुआ था, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है तो मेरे से गाड़ी ड्राइव नहीं होती अगर कैमरा ना दिखे आगे का, बस यही रीजन है। देख सकते हैं एक विंडो कवर जो कि सिर्फ पीछे का बताया जा रहा है लगाया था, वो भी किसी मेडिकल इशू की वजह से, वो लगाना भी जो है भारी पड़ गया। सर कितने का चलान कट रहा है इनका? अभी फाइनल नहीं हुआ है ऐसा कह रहे हैं, एक विंडो कवर लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं और भी काफी सारे लोगों को जो है लगातार रोका जा रहा है, चेकिंग लगातार की जा रही है, बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी पुलिस जो है अपना चेकिंग अभियान लगातार चलाए हुए है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कर दें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के रेलवे रोड से, रोज़ पुलिस द्वारा जो है अलग अलग लोकेशंस पर इसी तरीके से चलानिंग अभियान जारी है। तो अगर आप लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं
तो अगर एक्टिवा पे निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर से जरूर पहने, और दूसरा अगर आप गाड़ी पे निकल रहे हैं तो फिल्म वगैरह गाड़ी पर बिल्कुल भी ना लगाएं। आप देख सकते हैं इन महिला का हालांकि चलान कटा है लेकिन फिर भी इनका यही कहना है कि कोई बात नहीं, पुलिस द्वारा जो है अच्छा काम किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का। तो आप देख सकते हैं एक और कार जो है यहाँ पर रोक ली गई है, विंडो कवर जो है इस पर लगाया गया था। आप सभी से बार बार हम अपील ये करते हैं, टिकटॉक हरियाणा की टीम जो है आप सभी को जागरूक करती है कि अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो कार पर विंडो कवर बिल्कुल भी ना लगाए। और आपको पता है कि विंडो कवर के जो है 10,000 का चालान है। आप सभी से अपील, खबर को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। कार का नंबर हम आपको बता देना चाहेंगे, PB02DS0030। तो आप देख सकते हैं विंडो कवर्स का जहां 10,000 रुपए का चलान है, लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। सर आपको पता नहीं है विंडो कवर्स का 10,000 का चलान है? मैम मैंने नहीं किया हुआ, वो पीछे से खुला हुआ, ये एक साइड का लगा हुआ था। मेरी मम्मा को थोड़ा प्रॉब्लम है धूप का, इसलिए सिर्फ ये वन साइड वाला लगा हुआ, बाकी उतरे हुए हैं। कहाँ से हो बेसिकली? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से? क्या नाम है? पवन कुमार। पवन कुमार मैम? क्या? पवन कुमार मैम। पवन कुमार जो कि पंजाब से हैं, कह रहे हैं कि मदर को कुछ मेडिकल इशू था जिसके बाद एक साइड से जो है विंडो कवर्स लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चलान इनका काटा जाएगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक किए जा रहे हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। पंजाब नंबर जो है गाड़ी है और पुलिस द्वारा रोक ली गई है। देखना यही होगा कि कितने रुपये का इनका अब चलान काटा जाएगा। सर फोटोकॉपी है, ओरिजिनल दीजिए। ओरिजिनल तो सर यही है, मतलब फोटो लाइसेंस आपके पास। हाँ जी, हाँ जी सर, ये वो तो घर पे रखा हुआ है। गाड़ी किसकी है सर? मेरे पापा जी। आपके नाम है गाड़ी? सर अभी गाड़ी का क्या नाम है सर? पवन। यस सर। सर एक बात तो सुन लीजिए सर। हाँ सुनाओ सर, बात सुनो। सर मेरे को बताओ तो किस चीज़ का चलान काट रहे हो? सर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं उसका चलान होगा, बाकी आपने जो ये लगा रखा ब्लैक फिल्म वगैरह, ये मैं आपको वही मैं बता रहा हूँ। मेरा ये इस सारा उतरा हुआ अंदर का, दोनों फ्रंट का भी उतरा, बैक का उतरा क्यों? देखो आप क्या क्या मूवी पड़ रही है। देख सर मैं वही बता रहा हूँ, ये तो पीछे मैंने रख रखी है ना अपने बैक गाड़ी में, बैक साइड पे रखा। मेरे सर फोटो बोलते हैं, देख रहा है आपको? सर नहीं मैम, सर आप सीनियर हो हमसे। मेरे मतलब आप झूठ ना बोलो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज सर, एड्रेस बताइए चले सर। रिक्वेस्ट फादर ने बताया था सर, बात तो आप देख सकते हैं कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का जो है चलान यहाँ पर कट रहा है। कहाँ से सर? सर मैं पंजाब से। पंजाब से हो? यस सर। कौन सा गांव है सर अपना? सर सराय बन जा रहा है सर, प्लीज़ बात को मानिए सर। लगातार युवक द्वारा जो है अपील की जा रही है कि उसको चलान ना काटा जाए, लेकिन पुलिस जो है कहीं पर भी ढीला हाथ रखते नजर नहीं आ रही। एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट तो कर रहे हो? बोलना चाहूँगा कि अगर चलान काटना तो बिल्कुल काटिए, लेकिन हमारी भी कोई बात सुनेगा ना। मैंने मास्क लगा रखा हूँ, सीट बेल्ट लगा रखा हूँ, सारी विंडो उतरी हुई है, ये पीछे से उठा के आप ऐसे करो ये गलत है मैम, प्लीज मैम। मैम मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर से कि प्लीज जो चीज़ रूल फॉलो कर रहा हूँ तो उसके मुताबिक इनको भी थोड़ी बहुत मेरे को मानना चाहिए ना। तो प्लीज़ मैम जी, मैम मेरे ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मैं वही बोल रहा हूँ सर। प्लीज़ मेरी बात रिक्वेस्ट है आपसे सर। हाँ बिल्कुल, आप प्लीज़ हमसे बात कीजिए ना पहले, एक बार फोटो ले लेते मेरे को साइड में, एक बार उनसे बात कर लेते। तो आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी के साथ जो है फोटो खाटी जा रही है, इंचार्ज सर से जो है बात करते नजर आ रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? जी सर ऑल कंप्लीट है, मैं वही बोल रहा हूँ सर। लाइसेंस कहाँ आपका? सर लाइसेंस भी सर को दे दिया, ऑल डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है। एक शीट लगा सर, सिर्फ एक शीट इस साइड का विंडो का वन शीट लगा हुआ है, बाकी सर ये देखिए सर ये पीछे मैंने डिग्गी में लगा रखे हैं सर, ये पीछे डिग्गी में पड़े हुए हैं। मैं वही बोल रहा हूं, डिग्गी में नहीं थे आपकी नो। मैम ने अभी लाइव रिकॉर्ड किया सर, बेशक रिकॉर्ड किया मैडम ने सर, प्लीज हम भी कुछ देख रहे हैं सर, हम आप सर प्लीज मानिए प्लीज। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं आपके? सर अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये देखिए ना डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मेरे को दिखाने के लिए? दिखाइए। ये लीजिए सर, ये फोटो कॉपी है जनाब, देखो क्या कर रहा हूँ। ये डीएल है आपका? सर ये रियल नहीं है मेरे पास। डीएल है आपका? रियल है सर, रियल मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं है, रखिए। ये मेरे ओरिजिनल गाड़ी की इंश्योरेंस है सर। इंश्योरेंस है ठीक है सर, ये पोल्यूशन का स्लिप है मेरे पास। और हाँ
ये पोल्यूशन का, सॉरी ये पोल्यूशन का है। ठीक है, मेरे को आरसी और डीएल दिखा दीजिए ओरिजिनल आप। सर अभी मैंने 15 दिन हुए गाड़ी नहीं ली है। दैट इज योर एक्सक्यूज, मुझे आरसी और डीएल दिखा दीजिए। सर बैंक देगा तो ही मैं करूंगा ना। चाबी कहाँ है आपकी? सर प्लीज, चाबी कहाँ है आपकी? आई एम आस्किंग फॉर यू की। सर प्लीज, नहीं समझ आई। सर मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आप गाड़ी की चाबी दे दीजिए। सर मैं आपकी गाड़ी इम्पाउंड कर लो आप। ठीक है, लो रखो, रखिए सर प्लीज, ये आप अपने पास रखिए। सर ये क्या डीएल इनका रियल नहीं है क्या? नहीं, ये डुप्लीकेट निकलवा रखी है, कॉपी है इनके पास, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। अब आप इधर आ जाइए, गाड़ी के पास जो बाइट देनी है आप दे दीजिए। कोई बात नहीं सर, आप गाड़ी के पास। सर डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है मैम। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आरसी और हमारे को डीएल चाहिए होता है ताकि हमें पता लगे कि गाड़ी है किसकी और किसकी नहीं है, वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। शेड्स इनकी गाड़ी पे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से फिर गाड़ी इम्पाउंड की जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को जो है यहाँ पर इम्पाउंड किया जा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, आरसी नहीं है, डीएल जो है वो असली नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी को जो है इम्पाउंड किया जा रहा है। एक बार नंबर भी मैं आपको गाड़ी का दिखा दूं, PB02DS0030। चाबी है, टो वाली गाड़ी मंगवा ले अपनी, कोई बात हो लिया है भाई। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक इंचार्ज फिलहाल काफी ज्यादा सख्ती बरतते हुए कि टो वाली गाड़ी मंगवा लो, अगर चाबी नहीं दे रहे हैं इम्पाउंड करने के लिए गाड़ी। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं युवक से भी। पता नहीं उनकी नाम, नाम क्या? सचिन सर। सचिन सर नहीं जी कोई। फिर मैं इन्होंने नाल जावा, मैं गड्डी ले जाना पुलिस स्टेशन जी। और कहते ने भी असं टोक करनी गड्डी, मैं कहना चाहे सू चाबी दो या टोक करना, मैं मेरी गल छोड़ी नहीं रहे कोई भी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल युवक कोशिश कर रहा है कि शायद इम्पाउंड होने से बच जाए, लेकिन ट्रैफिक इंचार्ज ने साफ साफ कर दिया है कि गाड़ी को जो है इम्पाउंड किया जाएगा। एक बार वो कह रहे हैं कि मेरे फादर साहब से बात कर लें। वो क्या नाम है आपके फादर साहब? सर ये यहीं के मेरे फादर साहब यहीं पे हैं। हाँ जी बोलियो जी, बोलियो क्या कह रहे हैं सर बताइए। हेलो मैं प्रेम जी, प्रेम नाल गल करा ना एक बार तेरी, प्रेम पुलिस वाले नाल। कौन है प्रेम पुलिस वाले? हेलो भाई साहब। हाँ जी हाँ जी जी, क्या हुआ, क्या चार्ज है इसके ऊपर, कैसा हो गया? देखिए एक तो आरसी नहीं है, डीएल डुप्लीकेट है। अब मैं बात कर लूँ या आप कर लीजिए? ब्लैक शेड्स लगा रखे हैं इन्होंने गाड़ी पे। वो तो ब्लैक वाला तो मैं भी देखा था। चलो वो तो भाई साहब यहाँ रिकॉर्डिंग हो रखी है, कैमरा है, प्रेस लाइव खड़ी है, तो अब अगर नहीं मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो फिर मेरे को इम्पाउंड करनी पड़ेगी गाड़ी। ले आइएगा आप सर। क्या कह रहे थे, बातचीत हुई आपकी फोन पर? मैम इस प्रकार से तो हर कोई बातचीत करवाता है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो अदरवाइज, बट चलान जो होगा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो वो तो होगा। तो आप देख सकते हैं फोन करवाने का कोई भी फायदा यहाँ पर। सर ये गाड़ी है किसकी है? सर ये मेरे पापा की गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ कि मैं साथ में चल रहा हूँ, सुनी नहीं रहे। मैम मैं पंजाब से हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे पता है रूल्स क्या होते हैं जी। मैम मैं रूल को फॉलो करता हूँ, चंडीगढ़ स्टेट से हैं हम लोग, तो हमें भी पता है इस चीज़ का कैसे इनका, ये तो यहाँ पे शेड का वो बता रहे हैं ना मेरे को, और मेरे को पता है मैम मैं कभी भी ऐसे नहीं यूज़ करता, ये पीछे डिग्गी में पड़े हुए, मैं अभी सर को बोल रहा हूँ कि डिग्गी में पड़े, कोई बात नहीं मान रहा मैम। अगर हम अगर मैं बोल रहा हूँ सर को कि पुलिस स्टेशन चलना, तो मैं चल रहा हूँ आपके साथ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा मैम, प्लीज़ मैम। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सर करनाल किस वजह से आए हुए थे आप? मैं अपने भाई को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो यहाँ पे स्टे की थी मैंने, रात में 3-4 बजे घर पे आया था, तो मेरे रिलेटिव हैं, मैं उनके घर पे रेस्ट करके अभी घर जा रहा हूँ, तो अभी ये ऐसे कर रहे हैं मैम। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को इनकी इम्पाउंड कर ले जाया जा रहा है, एक तरफ बारिश का मौसम है लेकिन करनाल पुलिस दबादब चालान काटने पर लगी हुई है और लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, टू व्हीलर हो, किसी को भी जो है अब पक्षा
जाएगा, नहीं जाएगा। अगर घर से निकल रहे हैं, टू व्हीलर पे हैं, हेलमेट ज़रूर लगा लें, मास्क ज़रूर लगा लें, और अगर फोर व्हीलर पे हैं विंडो कवर्स का खास ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे लेकर निकलें। अगर आप लोगों की गाड़ी पर विंडो कवर्स, फिल्म या शेड जिसे आपको कहते हैं, अगर वो मिलते हैं, तो 10,000 रुपये अपनी जेब में जो है लेकर ज़रूर चले, क्योंकि 10,000 का चलान जो है आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर कट सकता है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के रेलवे रोड से। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको, चारों ओर पुलिस ही पुलिस आप लोगों को नजर आने वाली है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।